नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। भरोहिया एवं जजवा घाट पर धूमधाम से मनाया छठ का पर्व। केसरिया में हुआ घाट गोरखपुर कैंपियरगंज। 30 अक्टूबर 2022 से प्रदेश में दिवाली के बाद छठ पूजा का महत्व बढ़ जाता है। जहां प्रदेश में छठ पूजा का महत्व जोर पर था, वहीं पर गोरखपुर के कैंपियरगंज क्षेत्र में जंगल झजवा एवं भरोहिया के पीतेश्वर नाथ मंदिर पर छठ मैया का पूजन अर्चन विधि विधान तरीके से क्षेत्र की महिलाओं ने किया। वहीं कैंपियरगंज तहसील प्रशासन एवं पीपीगंज थाना अध्यक्ष शिवशंकर चौबे सहित पुलिस विभाग के लोग मुस्तैद रहे। क्षेत्र के तमाम भावी चेयरमैन प्रत्याशी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते आए। सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कमी नजर नहीं आई। छठ घाट पर क्षेत्र पीपीगंज टाउन एरिया के चेयरमैन प्रत्याशियों ने अपनी बड़ी बड़ी चुनावी होर्डिंग लगा रखी थी। साथ ही कुछ सभासद प्रत्याशियों का भी चुनावी फ्लेक्स देखने को मिला। वहीं झजवा छठ घाट पर नाव की विशेष व्यवस्था थी। पूरा झजवा पोखरा केसरिया में नजर आ रहा था। वहीं छठ घाट पर तमाम प्रत्याशी अपना दमखम दिखाने में लगे रहे। क्षेत्र के सभी प्रत्याशी अपनी हाजिरी जनता के बीच लगाते नजर आए। छठ घाट पर मुख्य प्रत्याशियों में जो नजर आए, पीपीगंज टाउन एरिया के भावी प्रत्याशी के रूप में दिनेश सिंह, विपिन सिंह, लक्ष्मण विश्वकर्मा, जयप्रकाश यादव, इंजीनियर सुरेंद्र नाथ यादव, हरीश चंद्र गुप्ता बोजवाल, विमल जायसवाल, दिनेश निषाद, मेवालाल निषाद, एडवोकेट हमीद के अलावा तमाम सभासद प्रत्याशी टहलते घूमते नजर आए। संवाददाता सुनील पाठक की रिपोर्ट। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।